Hello, my dear students. Good morning. Welcome to online class of English and my YouTube channel, English Classes by Sony Sir. Dear students, in the last video, we have discussed about demonstrative adjectives, distributive adjectives, and interrogative adjectives. Now, we will discuss about numerals and quantifiers adjectives. Are you ready? Look this side. Dear students, आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है न्यूमेरल्स एंड क्वांटिफायर्स एडजेक्टिव. आज हम अध्ययन करते हैं न्यूमेरल्स एंड क्वांटिफायर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. यानी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रोनाउन के रूप में हम इनका प्रयोग कैसे क्या करते हैं. आज हम चर्चा करते हैं न्यूमेरल्स एंड क्वांटिफायर्स एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है. तो देखो स्टूडेंट्स, याद रखना, सबसे पहली बात है ऑल है, एनी, इनफ, लिटल, लेस, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, मच, मेनी, फ्यू, नॉट इनफ, सम, एटसेट्रा. ये सभी क्या है? न्यूमेरल्स एंड क्वांटिफायर्स एडजेक्टिव्स है. याद रख के चलना, ये यहां पे जितने भी मैंने लिखे हैं वह न्यूमेरल्स एंड क्वांटिफायर्स एडजेक्टिव्स में आते हैं. प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन करेंगे कि संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण क्या होता है और इसका प्रयोग कहां क्या किया जाता है. तो इस कड़ी में, इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हम सबसे पहले अध्ययन कर रहे हैं सम और एनी का, कि सम और एनी का अर्थ क्या होता है और इनका प्रयोग कहां किया जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, सबसे पहली बात है आपका जो एडजेक्टिव है उसका नाम है सम. यानी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सम की, कि सम का अर्थ क्या होता है और इसका प्रयोग कहां किया जाता है. देखो स्टूडेंट्स, इसका अर्थ होता है कुछ. क्या होता है? कुछ. एक नंबर बात याद रख के चलना कि सम का अर्थ होता है कुछ. और ये चीज ध्यान से देख लेना कि इसका प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेज में ही किया जाता है. किसका? सम का प्रयोग. सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेज में ही किया जाता है. ये बात आपके समझ में आई नहीं आई? याद रख लेना कि जब सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेज में किया जा रहा है और इसका प्रयोग किसके साथ में किया जा रहा है? काउंटेबल नाउन के साथ. किसके साथ? काउंटेबल नाउन्स के साथ जब इसका प्रयोग हो रहा है. याद रखना कि जब सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हो रहा है तो उस स्थिति में सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है ए फ्यू या अ स्मॉल नंबर. क्या होता है? अ फ्यू या अ स्मॉल नंबर, ये इसका अर्थ होता है. ये याद रख लेना. वापस सुन लो कि सम का अर्थ होता है कुछ और इसका प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेज में ही किया जाता है. जब सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जा रहा है, किसके साथ किया जा रहा है? काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जा रहा है, तब इसका अर्थ होता है अ फ्यू या ए स्मॉल नंबर होता है, जो किसका सूचक होता है? संख्या का. किसका सूचक होता है? संख्या का. ये याद रख के चलना. समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, यदि सम का प्रयोग, यदि सम का प्रयोग कहां किया जा रहा है? सिंगुलर. कहां किया जा रहा है? सिंगुलर अनकाउंटेबल्स के साथ जब किया जाता है तो इसका अर्थ होता है ए लिटल. क्या होता है? ए लिटल या अ स्मॉल क्वांटिटी. अ स्मॉल क्वांटिटी, जो किसका सूचक होता है? परिणाम या मात्रा का. किसका? परिणाम या मात्रा का सूचक होता है. ये बात आपके समझ में आई क्या? मैंने अभी आपको बताया कि जो सम है,
सम का प्रयोग हम न्यूमेरल्स के रूप में भी करते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में भी करते हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण के रूप में भी सम का प्रयोग किया जाता है और परिणामवाचक विशेषण के रूप में भी सम का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, जब सम का प्रयोग है वो काउंटेबल नाउन के साथ में, आपको पता ही है कि जिस संज्ञा की गिनती की जा सके उस संज्ञा के साथ में जब सम का प्रयोग किया जा रहा है तब तो इसका अर्थ होता है एफ यू या अ स्मॉल नंबर होता है। यदि मान लो इसका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हो रहा है, सम का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हो रहा है, तब उसका अर्थ होता है अ लिटल या अ स्मॉल क्वांटिटी, इसका अर्थ होता है जो परिणाम या मात्रा का सूचक होता है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखो बेटा ऐसे, जैसे मैंने लिख दिया कि देयर आर खालिस्तान पेंस ऑन द टेबल, जैसे मैंने लिख दिया कि देयर इज खालिस्तान मिल्क इन द पॉट। देखो स्टूडेंट्स, मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, दो उदाहरण मैंने लिखे हैं, एक देयर आर खालिस्तान पेंस ऑन द टेबल और एक मैंने लिखा है देयर इज खालिस्तान मिल्क इन द पॉट। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ब क्या है, ये वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है। दूसरी बात, हम बात करें यहाँ पे पेंस भी क्या है, प्लूरल है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेन क्या है, काउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ मैंने आपको बताया है सम का प्रयोग किया जाएगा साधारण वाक्यों में, और ये वाक्य साधारण है, ये वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एक चीज क्लियर हुई। दूसरी, इसकी नाउन क्या है, काउंटेबल है, तो इससे किसका बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, एफ यू या स्मॉल नंबर का इसका बोध हो रहा है। तब हम लोगों ने यहां पे किसका प्रयोग कर दिया, सम का, किसका प्रयोग कर दिया, सम का। दूसरा सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा कि देयर इज खालिस्तान मिल्क इन द पॉट। अब आपको पता है मिल्क, मिल्क क्या है, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। दूध को गिना नहीं जा सकता, दूध है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैंने दूध से पहले किसका प्रयोग कर दिया, सम का। और जब मैंने इससे पहले सम का प्रयोग कर दिया तो उसके परिणाम या मात्रा का बोध हो रहा है, जो मैंने अभी बताया है कि सम का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में जब किया जाता है तो इसका अर्थ निकलता है ए लिटल या अ स्मॉल क्वांटिटी, जिसका मतलब होता है मात्रा। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत है क्या, 1% भी दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे सम के प्रयोग की हम और चर्चा करते हैं। सम का प्रयोग है वो एक प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, प्रोनाउन के रूप में भी। किसमें बेटा, प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है, ये याद रख के चलना। कि सम का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में तो किया जा रहा ही है, किसके रूप में भी किया जाएगा, प्रोनाउन के रूप में भी किया जाएगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा आई वांट सम sugar, I want some sugar, please give me some। तो देखिए स्टूडेंट्स, I want some sugar, मुझे यानी थोड़ी चीनी की जरूरत है। यहां पे देखो अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले हमने सम का प्रयोग कर दिया, तो मुझे थोड़ी चीनी की जरूरत है। और स्टूडेंट्स ये देखिए, प्लीज गिव मी सम, यहां पे क्या आ रहा है, मुझे थोड़ी चीनी दीजिए, यहां पे सम है, ये किसकी भूमिका निभा रहा है, प्रोनाउन की। यहां पे किसकी भूमिका में है, ये प्रोनाउन की भूमिका में है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रख के चलना कि सम का प्रयोग एडजेक्टिव में ही नहीं प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। ये बात मैंने कल क्लियर कर दी थी। यदि कोई भी सेंटेंस में डिटरमिनर यदि सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो प्रोनाउन होता है, और यदि डिटरमिनर के बाद में कोई भी नाउन दी हुई रहती है तो वो एडजेक्टिव होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये बात है सम की। सम की और भी नियम है, अध्ययन करेंगे, लेकिन साथ में हम एनी के प्रयोग भी पढ़ लें, क्योंकि सम और एनी है इनमें थोड़ी बहुत भिन्नता है, उनका अध्ययन हम साथ में कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखो, बात करते हैं एनी की। अभी मैंने आपको बताया कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, तो इसका प्रयोग है वह नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है, ये याद रख के चलना। कि
सम का प्रयोग तो साधारण वाक्यों में किया जाता है, जबकि एनी का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हम लोग करते हैं। मेरी बात समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है क्या? वही बात है बेटा, वही बात है जो अभी मैंने बताई है। यदि सम का प्रयोग किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ किया जा रहा है तो संख्या का बोध होता है, और यदि सम का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जा रहा है तो उससे उसके परिणाम या मात्रा का बोध होता है। वही बात याद रख के चलना, यदि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, किसमें? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में यदि एनी का प्रयोग है वह काउंटेबल नाउन के साथ, किसके साथ? काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जा रहा है, तब तो वहां पे किसका बोध होगा? ए फ्यू या स्मॉल नंबर का, किसका? ए फ्यू या स्मॉल नंबर का बोध होगा, जिसके बारे में मैंने बताया कि एक संख्या का सूचक है। यदि एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, किसके साथ? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जा रहा है, तब वहां पे किसका बोध होगा? ए लिटल या ए स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी का बोध होगा, जो किसका सूचक है? मात्रा या परिणाम का सूचक है। घबराना मत, मैंने भी आपको बताया साधारण वाक्यों में तो आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सम का प्रयोग कर देना है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में आपको यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किसका प्रयोग कर देना है? एनी का प्रयोग कर देना है। कैसे? जैसे मैंने लिखा आर देयर खालिस्तान बुक्स ऑन द टेबल, दूसरा मैंने लिखा इज खालिस्तान मिल्क इन द पॉट, यहां पे मैंने लिखा आर देयर खालिस्तान बुक्स ऑन द टेबल। अब यहां पे बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन है और सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है, आप किसका प्रयोग कर दोगे? एनी का। और यहां सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है, और आपको पता है ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, और यहां पे मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, आपने किसका प्रयोग कर दिया? एनी का प्रयोग कर दिया। मैंने भी आपको बताया कि एनी का प्रयोग है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में ही किया जाता है, जबकि सम का प्रयोग है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। आप देखो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि सम का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, तो एनी का प्रयोग भी किसके रूप में किया जाता है? प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया कि देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी इन माय पॉकेट, देयर इज नो मनी इन माय पॉकेट, हैव यू एनी, कि मेरी जेब में पैसे नहीं है, क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो यहां पे एनी, एनी किसके रूप में आ रहा है? प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सम का ही नहीं, एनी का प्रयोग भी हम लोग किसके रूप में करते हैं? प्रोनाउन के रूप में करते हैं। अब एक चीज ये ध्यान रख के चलना, वो वाक्य क्या था? साधारण था, जिसमें हमने प्रोनाउन का रूप में सम का प्रयोग किया था। ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, नो आ रहा है, तो बेटा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में प्रोनाउन के रूप में एनी का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो, सम और एनी की बात और करते हैं आगे बेटा, कि सम का प्रयोग है वह है लगभग के अर्थ में, किसके अर्थ में? लगभग के अर्थ में किया जाता है। सम का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी किया जाता है, जैसे मैंने लिखा प्लीज गिव मी सम 50, प्लीज गिव मी सम 50 रुपीज, मुझे 50 रुपए के लगभग रुपये दीजिए। तो लगभग के अर्थ में किसका प्रयोग करोगे आप? सम का। किसका प्रयोग करोगे? सम का, याद रख के चलना। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो, सम और एनी का प्रयोग, सम और एनी का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी होता है। किसके रूप में? डिमॉन्स्ट्रेटिव
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी सम और एनी का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया कि सम पर्सन, सम पर्संस आर नॉकिंग एट द डोर, कुछ लोग है वो दरवाजे को खटखटा रहे हैं। तो यहां पे देखो बेटा, सम पर्संस, यहां पे पर्संस है, आपको पता है पर्संस नाउन है और उससे पहले क्या है, यहां ये सम एडजेक्टिव, ये सम क्या है एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव कैसा है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आगे देखो, टेक एनी पेन यू लाइक, याद रख के चलना, यहां पे एनी, एनी किसके रूप में है, एक एडजेक्टिव के रूप में है, और ये कैसा एडजेक्टिव है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको बताया कि सम और एनी का प्रयोग है वह डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। अब देखो, याद रखना कि ये बात ध्यान से सुन लेना कि एनी के बाद में, एनी के बाद में कभी भी क्या नहीं आता है, नो नहीं आता है। याद रखना, एनी के बाद नो नहीं आता है। कैसे? जैसे आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट राइट एनी बुक, मैंने कोई भी किताब नहीं लिखी, मैंने लिख दिया कि ही रॉट नो लेटर, ही रॉट नो लेटर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां नोट है, यहां नोट है तो मैंने क्या कर दिया, एनी का प्रयोग कर दिया, लेकिन यहां पे देखो नो है तो यहां इससे पहले क्या नहीं आएगा, एनी नहीं आएगा। ये याद रख के चलना कि नो के बाद में एनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये तो है आपका सम और एनी के बीच में भिन्नता, डिफरेंस, और इनका प्रयोग कहां क्या कुछ किया जाता है। यानी आशा करता हूं कि सम और एनी के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। अब देखो, अब हम चर्चा करते हैं मच और मेनी की, कि इनका प्रयोग कहां किया जाता है। तो देखो, मच एंड मेनी, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, मच का प्रयोग है वह सिंगुलर अनकाउंटेबल, कौन सी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउंस के साथ किया जाता है, जबकि मेनी का प्रयोग है वह प्लूरल काउंटेबल नाउंस के साथ किया जाता है। बस ये डिफरेंस ध्यान से देख लेना कि मच का प्रयोग तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउंस के साथ किया जाता है, जबकि मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउंस के साथ किया जाता है। दूसरा ऐसे समझ लो आप कि मच का प्रयोग तो मात्रा या परिणाम बताने के लिए होता है, जबकि मेनी का प्रयोग है वो संख्या बताने के लिए होता है। समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? कैसे? जैसे मैंने लिख दिया कि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि देयर आर मच मिल्क इन द पॉट, कि जग में बहुत दूध है। तो यहां इनका जो अर्थ है वो बहुत के अर्थ में, अत्यधिक के अर्थ में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। और एक चीज और याद रख के चलना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हाउ का साथ में भी मच और मेनी का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की सम एनी की, और उसके साथ में हमने अध्ययन किया मच और मेनी का। आशा करता हूं ये वीडियो आपके अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स।